वेरी गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। तो पहली चीज़ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप रिलेट कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप रिलेट कर सकते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है, ऊर्जा, एनर्जी जो आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स में जो हम डिस्कस करते हैं, एनर्जी, उस एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, ना आप एनर्जी बना सकते हैं, ना आप उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस ये हो सकता है कि एनर्जी की एक फॉर्म को आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, आपने क्या किया, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, या फिर एनर्जी के किसी और फॉर्म को, एक फॉर्म को आपने क्या किया, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपने उसका कर दिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया है या आपने एनर्जी को क्रिएट किया है। बस आप एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो है परपेंचुअल मोशन मशीन। परपेंचुअल मोशन मशीन क्या कहता है कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट ए परपेंचुअल मोशन मशीन। एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो क्या करे, पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर दे, आपकी वर्क में कन्वर्ट कर दे। और मशीन उस एनर्जी को, जो कोई एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है कि वो क्या करे, जितनी भी एनर्जी आपने मशीन को सप्लाई की वो उसका 100% इफिशियंसी के साथ क्या कर दे, आपका वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसी कोई मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दूसरा स्टेटमेंट जो है परपेंचुअल मोशन मशीन से भी रिलेट कर सकते हैं आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन हमारा जो काम है वो है हमारा आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम लॉ है आपका, उस लॉ का जो मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट है, आपको उसको समझना होगा। तो पहली चीज आपको समझनी होगी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को हम समझेंगे। तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई भाई, किसी भी सिस्टम के पास जितनी पॉसिबल एनर्जी हो सकती हैं उनका जो टोटल समीशन होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। अब इंटरनल एनर्जी क्या, इंटरनल एनर्जी हो गया है, सपोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज आपने क्या किया, आपके पास ए पॉइंट था और आपके पास क्या है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे आपकी, मान लेते हैं, इंटरनल एनर्जी आपकी यू ए है, जबकि बी पॉइंट पे आपकी इंटरनल एनर्जी क्या है, यू बी है। जब ए से बी आप मोशन करते हैं, कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, पॉइंट ए पे आपकी इंटरनल एनर्जी यू ए है और पॉइंट बी पे आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, यू बी है। मान लेते हैं कि आप क्या किए हुए हैं, ए पॉइंट से आपने बी पॉइंट पे मूव किया और इसमें जो आपकी जो क्यू एनर्जी थी, क्यू हीट थी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई, एनर्जी। देखिए इंटरनल ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है। आप क्या हुए, आप ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे गए, इंटरनल एनर्जी आपकी यू ए भी है, इंटरनल एनर्जी आपकी यू बी भी है। तो आप आप ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पे गए तो आपकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो डेल्टा यू, और वो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, बी पॉइंट पे कितनी है और ए पॉइंट पे आपकी कितनी है, डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू बी माइनस ऑफ यू बी। यू बी इस पॉइंट पे कितनी इंटरनल एनर्जी है, इस पॉइंट पे कितनी इंटरनल एनर्जी है। अब बेसिकली क्या हुआ, आपका जब आप
इस ए पॉइंट से बी इस पॉइंट पे गई तो आपकी ए क्यू अमाउंट की हीट क्या हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी, और ए से बी में जाने पे आपने कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया है, आपका मोशन हुआ है, आपने कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया है, तो जो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो हो जाएगी क्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू। ये इसे स्टेटमेंट नंबर वन भी हम रिगार्ड कर, इसे स्टेटमेंट नंबर वन भी समझ सकते हैं। ये कब के लिए है, जब क्या किया, सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी। मान लीजिए ये बोल्ट एक सिस्टम है, ये मेरा बोल्ट का ए पॉइंट है, ये मेरा बोल्ट का बी पॉइंट है, तो मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, यहां से लेके मैं यहां तक गया। अब क्या हुआ कि इस जितना मैं यहां जाने में जो मैंने क्यू अमाउंट की हीट मैंने क्या कर दी, सिस्टम को दे दी, सराउंडिंग को दे दी। सिस्टम ने हीट किसको दी, सराउंडिंग को दी। जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा तो इंटरनल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू। लेकिन लेकिन अगर आपका ये दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपका सराउंडिंग आपकी सराउंडिंग क्या करे, हीट हीट क्या करे, हीट ट्रांसफर करे किसके साथ हीट ट्रांसफर करे, सिस्टम के साथ। मतलब बाहर से मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने पे सराउंडिंग ने मुझे हीट दी, तो उस समय मेरी जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। ये हो गया है मेरा, ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, ये मैथमेटिकल रिलेशन हो गया। ध्यान रखिए जब सिस्टम ने सराउंडिंग को एनर्जी दी इन टर्म्स ऑफ हीट, तो जब क्या हुआ, सिस्टम ने वर्क करने के लिए हीट का की एब्जॉर्ब की तो Q माइनस डब्ल्यू, और जब हीट मिली सिस्टम को तो Q प्लस डब्ल्यू। तो ये है मैथमेटिकल अप्रोच या मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है उसका मैथमेटिकल रिलेशन।